जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। जी सर, तो मैं जहाँ तरावी और वितर अदा कर रहा हूँ शेख, वहाँ वितर के तीसरी रकात में जब कुनूत पढ़ाते हैं तो शेख इमामी पढ़ाते हैं शेख, तो हर आयत के बाद वो जोर से आमीन बोल रहे हैं, तो करना सही है? और उस वक्त मैं हाथ उठा सकता हूँ क्या दुआ जिस तरह मानते हैं वैसे? जी सर, कुनूत में आयत कब पढ़े, क्या पढ़ते हैं? दुआए कुनूत इमाम ही रिसाइट करते हैं शेख, एक सूरह फातिहा और जमी सूरह मिलाने के बाद, तो जब वो अल्लाहुम हदैनी फी मन हदैत बोलने के बाद आमीन करके जोर से मुक्तदी चिल्लाते हैं हर आयत के बाद दुआए कुनूत के, तो ये अमल सही है? जी, तो मैं हाथ उठा सकता हूँ क्या उस वक्त? जी देखिए, मुझे ये इश्काल हो गया, आपने चूंकि आयत कहा ना, तो चूंकि उसमें आयत तो नहीं होती है, वो दुआ है, कुनूत के अंदर दुआ पढ़ी जाती है। देखिए, कुनूत के अंदर एक दुआ तो वो है, या दुआ का एक सेगा तो वो है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रदी अल्लाह ताला अनहो को सिखाया था, अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत, वो जमा के सेगे के साथ भी वारिद है, अल्लाहुम्मा हदिना या और अल्लाहुम्मा हदिनी, तो एक तो वो सेगा है। उसके अलावा भी दुआए कुनूत के अंदर आप कोई भी दुआ करना चाहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ भी मांगना चाहें, आप मांग सकते हैं, बस आपका आपकी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि ये सेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर आप अपनी तरफ से अल्फाज और सेगे इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर सकते हैं, और आप अगर सिर्फ उसी दुआ पर इक्तफा करना चाहते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, तो आप उस पर भी इक्तफा कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जब इमाम कुनूत दुआए कुनूत पढ़ेगा तो जहां जहां पर दुआया कलिमात हैं, जैसे अल्लाहुम्मा हदिनी, अल्लाह हमें हिदायत दे, ये दुआया कलिमा है, तो जहां दुआया कलिमा होगा वहां पर जो मुक्तदी हैं वो आमीन बोलेंगे, वहां पर वो आमीन बोलेंगे, क्योंकि दुआया कलिमात पर मुक्तदी का आमीन बोलना ये सुन्नत है। आखिरी सवाल आपका यह है कि क्या हाथ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ये इख्तलाफी मसला है, लेकिन सही बात यह है कि हाथ उठाएंगे दुआए कुनूत में, हाथ उठाएंगे क्यों, और इसको उलमा ने कुनूत नाजला पर कयास किया है, कुनूत नाजला के अंदर भी चूंकि दुआ होती है और उसके अंदर हाथ उठा करके दुआ की गई थी, तो कुनूत वितर के अंदर भी हाथ उठाना ये बहुत सारे सहाबा से साबित है, तो दुआ उठा करके जो है कुनूत पढ़ेंगे, हाथ उठा करके दुआए कुनूत पढ़ेंगे। शेख, मैं पहले ही, जी शेख, मैं पहले ही कुछ जो वो नहीं चाहते वो करता हूँ शेख, तो पहले एक अजीब नजर से देखते हैं शेख, अब हाथ उठाऊंगा ना शेख तो वो फिर कुछ क्रिटिसाइज करने आएंगे शेख, तो मैं अगर मैं वो डर से छोड़ दूँ। हाथ उठाना वाजिब नहीं है, देखिए यूनुस भाई, हाथ उठाना ये वाजिब नहीं है, आप बगैर हाथ उठाए भी दुआ कर सकते हैं, तो अगर कोई वहां पर कोई हरज महसूस हो रही हो आपको या कोई मसला होने वाला हो तो हाथ मत उठाइए आप। जी जी, ठीक है। वो जो अब्दुल्लाह इब्न उमर की शायद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में एक है ना शेख, कि वो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, वो भी साबित शुदा है शेख या फिर उसको हम नहीं पढ़ सकते? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक। नहीं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुनूत सिखाया हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को, उसके अंदर ये अल्फाज नहीं है, लेकिन जाहिर है ये अल्फाज भी दुआया कलिमात हैं, इनको आप कह सकते हैं, लेकिन वही जो मैंने शुरू में बताया कि आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लम का सेगा है ये, आप कोई भी दुआ मांग सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लम का सिखाया हुआ सेगा नहीं है कुनूत के अंदर।